अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं बिफोर टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी की भी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर किसी भी नंबर को वाइट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वाइट लिस्ट का कुछ लोगों को पता होगा कि वाइट लिस्ट क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता वाइट लिस्ट के बारे में तो उनको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि वाइट लिस्ट से क्या फ़ायदा होता है हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है कॉल ब्रोकर। कॉल ब्रोकर के नाम से ये एप्लीकेशन है, ये आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है कॉल ब्रोकर। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने परमिशन दे देनी है, जो कि आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अलाउ कर दें, जो भी ये कहता है उसे अलाउ करें। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब ये सबसे पहले ये दे रहा है ब्लैक लिस्ट का आपको ऑप्शन। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है कॉल कर कर के बार बार, तो आपका उसका नंबर जो है वो इसमें ऐड कर दें, तो उसकी आपको कॉल दोबारा नहीं आएगी, ना तो उसका मैसेज आएगा ना आपको उसकी कॉल आएगी। उसके बाद दूसरे इंटरफेस में चलते हैं, जो कि ब्लॉकिंग ये लिखा हुआ है, इस पर आते हैं। तो उसमें मिल जाता है आपको प्राइवेट नंबर्स, अननोन नंबर्स, ऑल कॉल्स, वाइट लिस्ट। अब इसमें मतलब ये है, ये जो है प्राइवेट नंबर्स, प्राइवेट नंबर, अगर किसी भी प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आती है तो वो आपको कॉल नहीं आएगी अगर आप इसमें टिक कर देते हैं तो। उसके बाद आ जाता है अननोन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जिन नंबरों को आपने अपने मोबाइल में सेव नहीं कर रखा उन नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो आपके मोबाइल में सेव नहीं है, अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो उस नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी। उसके बाद आ जाता है ऑल कॉल ब्लॉक्स। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त को मोबाइल देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि यार वो बंदा मेरी कोई भी कॉल ना सुने, या फिर आप घर में मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं या फिर दोस्तों में चार्ज लगा देते हैं कहीं भी, तो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कोई भी कॉल उस वक्त ना आए, तो ये ऑल कॉल्स पर आप टिक करके अपनी तमाम जो कॉल्स आती हैं आपको उनको ब्लॉक कर सकते हैं आरजी तौर पर। उसके बाद आ जाता है वाइट लिस्ट। सबसे अच्छा फ्यूचर यही है वाइट लिस्ट, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। इसमें करना क्या होता है, इसे मैं ओपन करता हूँ और आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आपने अपने जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव हैं अगर वहाँ से लेना चाहते हैं तो फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें। अगर जो आपने कॉलें वगैरह की हुई हैं यहाँ पर, या फिर आपको आई हुई है मिस कॉल या रिसीव कॉल जो आपने की हुई हैं, अगर वहाँ से आप कोई नंबर लेना चाहते हैं तो फ्रॉम कॉल लॉग्स वहाँ से ले लें। और अगर आप खुद से नंबर को देना चाहते हैं तो इनपुट नंबर पर क्लिक करें। तो मैं इनपुट पर ही करता हूँ। तो देखें, इसका मतलब ये है, इसका फ़ायदा ये है कि वाइट लिस्ट में अगर कोई आप नंबर ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इन्हीं नंबर से कॉल आए जिनको आप इसमें ऐड कर दें, तो इसका मतलब भी यही है कि आप अपने फैमिली के जो आपके घर का नंबर होता है या फिर कोई भी आपका फैमिली नंबर होता है जिससे आप चाहते हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो भाई हैं, मतलब वही कॉल करना चाहते हैं, तो आप इसमें उनके ही नंबर ऐड कर दें, जितने भी हैं, 30 हैं, 40 हैं, 10 हैं, 1 है, 2 है, अब वो नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि जो भी आप इसमें नंबर ऐड कर देंगे ना, सिर्फ उसी की कॉल आएगी, उसके अलावा कोई दुनिया का बंदा कॉल नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया का बंदा इसमें मैसेज नहीं कर पाएगा, सिर्फ उन बंदों की कॉल आएगी जिनका नंबर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका बहुत ही फ़ायदा है, इसमें आप जितने चाहे नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ दो नंबरों से कॉल सुननी है तो सिर्फ दो नंबर ऐड कर दें, अगर 50 हैं आपके तो 50 कर दें, लेकिन कॉल उसी की आएगी जिसका नंबर इस वाइट लिस्ट में आप ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप किसी का भी नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स में अगर जाएं तो आपके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करके कोई भी नंबर जो है
वाइड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये फ्यूचर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो कि आपके फैमिली नंबर होते हैं, जो कि आपके घर के मोबाइल होते हैं, उनमें अगर आप ये ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, मतलब कि जो आप चाहेंगे उन्हीं नंबरों से कॉल आएगी। अगर आप अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहते हैं या किसी पर भी अगर आप चाहते हैं तो आप वाइड लिस्ट को यूज़ करें, तो वाइड लिस्ट से सिर्फ आपकी ही कॉल आएगी जो आप नंबर ऐड कर देंगे, उसके अलावा कोई और कॉल नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चक्कर है, बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद अगर जो चीज़ें आप ऐड कर देते हैं यहाँ से, अगर आप डिलीट भी कर सकते हैं, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिए प्रेस। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में भी कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर भी आपको दे दूं, तो आप वहां से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी फ्रेंड को पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कहां से ओपन होती है तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है, तो मैं उसे बता दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़।